भाई बहनों के लिए बुलाया होगा। कितने लोग तो हमरो गांव से आके यहाँ बसल बा और हमार तोहार रिश्ता आप भले सोचते होंगे कि मनोज तिवारी गाना गाता है, मनोज तिवारी ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म किया है, आप सोच सकते हैं। लेकिन अब हमारा रिश्ता है आपका थोड़ा अलग भी है। आप इस देश के कोने में किसी कोने में है, चाहे आप दिल्ली में है, चाहे आप बॉम्बे में है, और चाहे आप बल्लभगढ़ में है हरियाणा के, या हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, आपको अगर एक भी तकलीफ होगी तो मनोज तिवारी नरेंद्र मोदी जी के साथ मूलचंद शर्मा के साथ आपके साथ खड़ा है। हमारा आपका रिश्ता ये है ना भैया। आपको लोग सोचा थो वजह कि मनोज भैया तो हीरो रहे, मनोज भैया गाना गावत रहे, तो मनोज भैया अचानक से सांसद कैसे बन गया, क्यों बन गया? और मैं दिल से बोलता हूं अगर उसका कोई कारण है तो वो आप लोग हैं जो आप अपना गांव घर खेत खलिहान छोड़ के अपनी रोजी रोटी के लिए पूरे देश में फैले हैं। मैं आप ही के लिए राजनीति में आया हूं, याद रखिए। अब हमें राजनीति में कुछ अपने भाई बनाने पड़ते। एक भाई हमारा हमारे बाई तरफ खड़े हैं, इनका नाम है मूलचंद शर्मा। पंडित मूलचंद शर्मा जी से मेरी केवल नजदीकी नहीं है, इनका से हमारू रिश्ता बात है कि अगर मैं 2 बजे रात को भी बोलूंगा कि भैया हम संकट में हैं, मेरे पास कब पहुंच सकते हो, तो शायद अगले 2-2.5 घंटे में अगर ये चंडीगढ़ भी होते हैं तो यहाँ पहुंचने का काम करते। लेकिन उससे ज्यादा खुशी हमको इस बात की है जब हमको किसी मीडिया से पता चलता है कि मूलचंद शर्मा जी ने झुग्गी झोपड़ी में भी पानी देने की व्यवस्था कर दी है, तब मुझे खुशी होगी। मुझे तब पता चलता है जब हरियाणा बल्लभगढ़ रहने वाले लोगों के लिए अगर एक आवाज आई तो मूलचंद शर्मा खड़े रहते हैं। हमरा के जब पता चलेगा कि फोन करो तो सीधे मूलचंद शर्मा ही उठा लेते हैं, तब मुझे गर्व होता है और मैं सोचता हूं कि उनके लिए चलना बहुत जरूरी है। इनके लिए आना मेरी मजबूरी नहीं है, मूलचंद शर्मा भैया के लिए आना ये हमारे लिए जरूरी है।